दोस्तों, स्टूडेंट सफारी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम हमारा अगला पाठ यानी कि शब्द संपदा, ये जो निबंध दिया है, इस निबंध में शब्दों के बारे में जो भी वर्णन किया है, इस शब्दों की संपदा आगे हमें कैसे बढ़ानी है, ये सारा का सारा वर्णन इस पाठ में यानी कि इस निबंध में जो दिया है वो हम देखने वाले है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। शब्द संपदा। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुबे जी का यह पाठ है। उनका जन्म 7 अगस्त 1942 को गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ था। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय। डॉक्टर रणसुबे जी मराठी भाषा हिंदी के लेखक थे। वो प्राध्यापक भी थे, वो अनुवादक भी थे और समीक्षक के रूप में जाने भी जाते थे। यहाँ पे उनका वर्णन दिया है, उनका जब जन्म कब हुआ था, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनका परिचय भी दिया है। ये जो शब्द संपदा, ये जो पाठ है, एक पाठ ना होकर एक निबंध है और प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए संदेश दिया है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा की रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? यहाँ पे पहले ही सवाल पूछा है कि आदिम अवस्था यानी कि क्या, जो आदि मानव थे उनकी अवस्था, और आधुनिक मनुष्य मतलब हम, अब तक की जो विकास यात्रा है इसमें क्या रहस्य है, यह आपको पता है क्या? ऐसे यहाँ पे निबंध में पहले ही पूछा है। अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति में मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। हम सबको उत्तर पता है कि जो अन्य भी प्राणी थे, उन अन्य प्राणियों के तुलना में हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो बुद्धि है, वो बुद्धि जल्दी विकसित हुई, यही सबको उत्तर पता है। लेकिन यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर तो यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सब प्रगति का जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ, वो भी भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का विकसित क्रमबद्ध संयोजन। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो हमें पता है वो सिर्फ आधा अधूरा ही ज्ञान है। तो मनुष्य की प्रगति सिर्फ मस्तिष्क की प्रगति होने से नहीं, तो मस्तिष्क ने जो भी भाषा खोजी है उस भाषा के वजह से हुई है, क्योंकि भाषा के कारण ही ज्ञान शाखाओं में विकास हुआ है। ऐसे यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं कि शब्दों का ये जो संसार है वो बहुत विचित्र और बहुत बड़ा संसार है। शब्दों की ताकत ही जो है जो हमारा ध्यान कहीं भी ले जाती है। शब्द ही जो तो मनुष्यों को आपस में जोड़ के रखते हैं और वो शब्द ही है जो मनुष्यों को तोड़ते हैं। मतलब हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो मनुष्य जुड़े रहेंगे, हम किसी को कुछ बुरा बोलेंगे, झगड़ा करेंगे तो मनुष्य टूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि शब्दों का संसार बड़ा भी है और विचित्र भी है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिहन है, निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाते हैं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो भी अक्षर है वो सब एक चिन्ह की बराबर है, चिहन मतलब चिन्ह की बराबर है, वो निर्जीव है। और हम जो मनुष्य है वो मनुष्य ही उन अक्षरों को क्या देता है, अर्थ देता है और उन्हें सजीव बनाता है। जब शब्द जीवंत तो हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो उन शब्दों में से मनुष्य का स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हम देख सकते हैं। शब्द अगर अच्छे है तो उसका स्वभाव गुण अच्छे है, वो अगर बुरे शब्द यूज कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो वो बुरा मनुष्य है या फिर उसका स्वभाव बुरा है। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ लोग कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि कुछ शब्द है, कुछ मनुष्य है जो लोगों को हंसाते हैं, वैसे कुछ शब्द है लोगों को हंसाते हैं या फिर तकलीफ कम करवाते हैं, और कुछ मनुष्य और शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोगों को पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं या फिर उनको व्यतीत करते हैं।
कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की गुनगुनाने की इच्छा भी होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले भी होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कई बार तो ऐसे शब्द सुनकर, मतलब बुरे शब्द सुनकर कुछ लोग रो भी देते हैं, लेकिन इनके विपरीत तो कुछ लोग बड़े प्रिय भी हैं। वो हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो उन्हें बार बार सुनने की भी इच्छा होती है। तो कुछ शब्द निरर्थक भी होते हैं तो कुछ सात्विक, सज्जन, सभ्य और सुसंस्कृत भी होते हैं, जैसे हमारे कान में पड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। मतलब यहाँ पे एक वाक्य दिया है, कुछ मत करो भाग्य में मिल जाएगा, ये जो शब्द है ये बराबर नहीं, ये निष्क्रिय बना देते हैं। अगर हम ये शब्द हमारे सामने किसी ने उच्चारण किए तो हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये भी वाक्य है। अगर किसी ने हमें बोला कि कुछ मत काम करो, तुम्हारे भाग्य में तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये जो वाक्य है ये हमें निष्क्रिय कर देते, क्योंकि हम इन्हें सुनने के बाद हम कुछ काम ही नहीं करते हैं। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% सहयोग की जरूरी होती है। न्यूटन क्या बोल रहा है कि कोई भी काम अगर पूरा करना है तो उसे 90% की परिश्रम चाहिए ही चाहिए, और हमारी बुद्धि 5% और 5% सहयोग, मतलब काम हाथ भार जो हम एक दूसरे को लगाते हैं वो। परंतु याद रखे, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। कोई भी काम हो अगर उसे परिश्रम दिया नहीं तो हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। मतलब क्या, जो निगेटिव थिंकिंग हमारी रहती है, जो निगेटिव वर्ड्स है, नकारात्मक जो शब्द है वो हमें जीवन से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक शब्द जो है वही हमें अपने काम से दूर रखते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। जैसे कुछ भाषाओं के शब्द हैं जो हर एक भाषा में वही शब्द है और दूसरों के साथ मिल जाते हैं। जैसे आपके भी कुछ मित्र हैं जो सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी के साथ ज़्यादा मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव है, विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। अभी आज हम जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं उनके कुछ शब्द है थैंक यू वगैरह, तो वो दूसरी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। हम अपनी भाषा के जो शब्द है धन्यवाद वगैरह, उन्हें छोड़कर हम वो अंग्रेजी भाषा के शब्द बोलते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्द है, जैसे कि बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि, ये दूसरे भाषा के शब्द हैं, लेकिन मराठी, हिंदी या फिर कई और भाषाओं में हम इसे प्रयास करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं। कहा जाते हैं कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। जो तमिल भाषा के शब्द है वो अपने परिवार में ही सीमित है, वो किसी और भाषा में नहीं मिलते, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं, तो सेम उसी प्रकार अलबत्ता जो है वो हिंदी के शब्द है, लेकिन वो सिर्फ हिंदी में ही मिलते, किसी और में नहीं मिलते। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए भी रखते हैं और अन्य भाषाओं के साथ मिल भी जाते हैं, और कुछ शब्द हैं जो खुद का रूप खत्म भी कर देते हैं दूसरों के साथ मिलने के लिए। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी से और फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से ले, रेल यात्री, रेडियो तरंग। ये क्या है, ये अलग अलग भाषा के शब्द हैं। हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के साथ कई और भाषाओं के शब्द भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है वर्षगांठ मानपत्र, ये हिंदी और संस्कृत का मिलन है। थानेदार किताब घर, ये अरबी फारसी हिंदी का मिलन है। रेलयात्री रेडियो तरंग, ये अंग्रेजी और संस्कृत का यहाँ पे मिलान दिया है।
उसी प्रकार अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि, ये सब क्या है, दूसरे भाषाओं के शब्द के साथ हिंदी शब्द मिलजुल कर बनाए गए हैं। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, ये किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। मतलब माँ के लाडले मतलब क्या, तो कुछ सब जो जिस भाषा के रहते हैं उसी भाषा के साथ रहना पसंद करते हैं, किसी दूसरे भाषा में वो जाते ही नहीं है। लेकिन कुछ शब्द जो है वो किसी के साथ भी रहना उन्हें अच्छा लगता है, वो किसी भी भाषा में वो घुल मिल जाते हैं। उदाहरण, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो हम अभी प्रयोग में लाते हैं, वैसे कुछ भाषाओं के और भी शब्द होते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहे लेखक कि अगर ये शब्द हम आपस में घुल मिला लेते हैं कुछ शब्द, तो हमारी भाषा समृद्ध होती है। क्यों? क्योंकि कुछ शब्दों के लिए हमारी भाषा में वो शब्द है ही नहीं, तो इसलिए हम दूसरी भाषा के शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा, पुर्तगाली भाषा, अरबी भाषा, फारसी से आए हैं। वैसे ही ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, ये भी दूसरे भाषाओं के शब्द हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू, ये क्या है, तो ये हमारे हिंदी के कुछ शब्द है। इनके लिए हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द है, तो इनके लिए हमें अलग दूसरे भाषाओं के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है, तो जो हमारे भाषा में जो शब्द है हमें वही शब्द उनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उनको छोड़कर जो दूसरे भाषाओं के शब्द है उन्हें यहाँ पे हमें उपयोग में नहीं लाना है। जहाँ पे हमारे लिए शब्द नहीं है वहाँ पे हम ला सकते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि हमारे मुख से जो भी हम भाषा वर्णन करते हैं उससे हमारे चरित्रता दिखती है, बुद्धिमत्ता, हम कितने समझदार हैं और हमारे पास कैसे संस्कार है वो भी दिखाते हैं, और हम किस प्रकार सोचते हैं वो भी शब्दों से ही पता चलता है। और कम से कम शब्दों में हमें अर्थपूर्ण बोलना और लिखना चाहिए। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकता है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि हमें किसके सामने कैसे शब्द उच्चारण करने हैं, यह हम पुस्तकों से, वाचन से ही पता चल सकते हैं। और हमें कहाँ पे क्या बोलना है, किस समय है हम वहाँ कहाँ पे खड़े और क्या बोल रहे हैं, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। इसके लिए हमें अनुभव, मार्गदर्शन और वाचन की बहुत ज़रूरत है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसी कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा में हम सुंदर सुंदर उत्तर लिखते हैं, अर्थमय शब्दों से वाक्य लिखते हैं, तभी हमें अच्छी श्रेणी या फिर अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। हम अगर अनाप शनाप या फिर कुछ भी हम शब्द प्रयोग करेंगे तो हमें हानि ही मिलेगी, हमें अच्छे मार्क्स या फिर अच्छे गुण हमें नहीं मिलने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है, और शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शब्द संपदा, यानी कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पे चुप रहना चाहिए, कौन से शब्द बोलने चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। और इस संपदा को बढ़ाने के लिए हमें वाचन की जरूरत है। विभिन्न शब्दों के अर्थ हम शब्दकोश में देख सकते हैं। हम एक दिन में अगर एक पन्ना पढ़ेंगे तो भी हमारे शब्दों की संपदा की शक्ति है वो बढ़ने वाली है। तो आप तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति बढ़ाओ
और पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपनी शब्द संपदा को बढ़ाने या प्रण ले लो और वाचन शुरू करो, और तुम भी मतलब हम सब भी, हमें क्या करना है अभी, शब्द संपदा के मालिक होना है। मतलब हमें कहाँ पे क्या बोलना है, कौन से शब्द प्रयोग में लाना है, ये हमें अभी सीखना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।